हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की एलएचबी कोचेज के बारे में। हम में से कईयों ने इसमें एक बार जरूर सफर किया होगा। हेलो दोस्तों, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ, हिंदी में बोले तो क्या, कब, क्यों और कैसे, मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलएचबी कोचेज की हिस्ट्री के बारे में। इन्हें इंडियन रेलवेज में कब शामिल किया गया और क्यों शामिल किया। सन 1993-94 से रेलवेज ने हल्के और अच्छे स्पीड वाले डब्बों की तलाश शुरू कर दी थी, पर सन 1999 में जाकर रेलवेज ने जर्मनी से एलएचबी कोचेज मंगाए और इनका सफल ट्रायल हो जाने के बाद इसे इंडियन रेलवेज में शामिल कर लिया गया। जर्मनी से इंपोर्ट हुए 24 एलएचबी कोचेज की रैक को इंडियन रेलवे ने न्यू दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में चलाया, जिसकी कोच कंपोजिशन थी 19 सेकेंड एसी चेयर कार, 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार, 3 जनरेटर कम ब्रेक वैन। हालांकि पैसेंजर रिव्यू के बाद इस ट्रेन को तुरंत बंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे एलएचबी कोचेस के मैन्युफैक्चरिंग की। ये मेन टाइप से दो जगह मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, सेकंड, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इंडियन रेलवेज का ऐसा मानना है कि 2018-19 के अंत तक वे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से एलएचबी की 1600 कोचेस मैन्युफैक्चर कर चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं एलएचबी कोचेस की स्पीड और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। हालांकि एलएचबी कोचेस को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए बनाया गया है, पर इंडियन रेलवेज ने इसे 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक टेस्ट किया है। टेक्निकल इश्यूज और पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवेज ने इन एलएचबी कोचेस की ऑपरेटिंग स्पीड को 160 किलोमीटर पर आवर तक निर्धारित किया है। चलिए अब बात करते हैं इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। एक एलएचबी कोच को तैयार करने की कॉस्टिंग पड़ती है 15 से 20 मिलियन। आशा करता हूँ एलएचबी कोचेस के बारे में दिया गया यह छोटा सा ज्ञान आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं इसमें क्या खराबी थी। जय हिंद, जय भारत।